नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 18 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 के साप्ताहिक राशिफल के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले इस सप्ताह में व्यस्त रहेंगे, व्यस्तता का फायदा होगा, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। अगर करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है, बदलाव कर सकते हैं। और इस सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। आप थोड़ा सा ध्यान अभी अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। हालांकि पहले की तुलना में स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह बहुत व्यस्त है, बहुत सारे काम इस सप्ताह में आपको करने होंगे। हालांकि देखिए, धन भी आएगा और संपत्ति का फायदा भी होगा, कर्जों से भी बहुत हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। संतान को लेकर जो मन में चिंताएं थी वो चिंताएं दूर होंगी और आपके परिवार में इस समय शुभ कार्य जरूर होंगे। ध्यान आपको रखना है अपने वाणी का, अपने स्वभाव का। किसी को दुखित मत करिएगा, खान पान में लापरवाही मत करिएगा, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय करियर में कोई छोटा मोटा लाभकारी परिवर्तन भी आपका हो सकता है। संपत्ति खरीदना है, बेचना है, उस संबंध में कोई काम करना है, इस सप्ताह में करने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। पैसे रुपए का अगर लेन देन कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, थोड़ी सावधानी इस सप्ताह में रखिएगा, क्योंकि वहां पे नुकसान हो सकता है। वाहन इस सप्ताह में सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। कर्क राशि, सप्ताह में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। करियर को लेके, आने वाले समय को लेके, परिवार को लेकर के शुरुआत में थोड़ी चिंताएं रहेंगी, लेकिन ये चिंताएं सप्ताह बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, तनाव आपके कम होंगे। सप्ताह के अंत तक आते आते किसी संपत्ति के काम में या करियर संबंधी किसी काम में आपको फायदा हो सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। सप्ताह के अंत में किसी शादी पार्टी में, किसी मनोरंजन में, घूमने फिरने में समय व्यतीत करेंगे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। सिंह राशि, यात्रा के साथ सप्ताह शुरू हो रहा है, आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ का तनाव मत पालिएगा। संपत्ति के काम में और पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन राहत की बात यह है कि पैसे आते रहेंगे, धन को लेकर के किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कोई रुका हुआ काम है, उसे सप्ताह के अंत में निपटाने की कोशिश करें, वो काम आपका जरूर बन जाएगा। कन्या राशि, व्यस्तता इस सप्ताह में बहुत रहेगी आपकी। हालांकि देखिए, पैसे आपके पास आएंगे, उपहार सम्मान का लाभ भी इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। स्थान परिवर्तन के बारे में इस समय आप विचार कर सकते हैं, संपत्ति खरीदने बेचने के बारे में विचार कर सकते हैं, उसकी संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में वाणी पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत खाइएगा, क्योंकि खान पान की वजह से आप इस सप्ताह में बीमार पड़ सकते हैं। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के अच्छे योग हैं, स्थान परिवर्तन होगा और लाभदायक मौके आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा के जो परिणाम होंगे वो आपके लिए फेवरेबल होंगे, अनुकूल होंगे। ध्यान रखिएगा इस सप्ताह वाहन चलाने में और परिवार में, खासतौर से संतान के साथ या जीवन साथी के साथ किसी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर थोड़ा तनाव तो होगा, लेकिन ये तनाव लंबे समय तक नहीं चलेगा। खर्चे इस समय बढ़े रहेंगे, लेकिन धन आता रहेगा, आप खर्चों को निपटा पाएंगे। दौड़ भाग इस सप्ताह में आपकी ज्यादा रहेगी, काम को सेटल करने के लिए, काम को बेहतर बनाने के लिए।
अगर आप अविवाहित हैं, इस समय विवाह के बारे में आप निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण काम अगर है, सप्ताह की शुरुआत में मत करिएगा, शुरुआत में नहीं होगा, सप्ताह के अंत में जाइएगा, आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। साथ ही साथ खर्चों को लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि पैसे आपके पास आते रहेंगे, इसलिए खर्चे बड़ी समस्या आपके लिए नहीं बनेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, शत्रु विरोधी परास्त होंगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति अच्छी है, रुका हुआ पैसा, आकस्मिक पैसा इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। इस सप्ताह में चोट चपेट से बचिएगा, फिसल कर ना गिर जाएं, वाहन दुर्घटना ना हो जाए, और अगर आंखों में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इस समय लापरवाही मत करिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आप करना चाहते हैं, सप्ताह के अंत तक जाइएगा, उस समय महत्वपूर्ण काम को हिट करिएगा, आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको सफलता मिलेगी, करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी, करियर में नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती हैं। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जहां तक देखिए धन की बात है, इस समय कोशिश करिए, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। गर्मी बहुत है, हीट स्ट्रोक के शिकार ना हो इसका ध्यान रखें, उल्टा सीधा ज्यादा मत खा लीजिएगा वरना बीमार पड़ सकते हैं। वैसे करियर में जो भी परिवर्तन इस समय हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये तमाम परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, इन परिवर्तनों को लेकर आप आगे बढ़ें, आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी, मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। अपने करियर में व्यस्तताएं आपकी बहुत रहेंगी, पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन में व्यस्तता बहुत रहेगी, ये जरूर दिख रहा है। या तो इस समय संपत्ति खरीदेंगे या तो इस समय वाहन खरीदेंगे, इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से पेट को लेके इस सप्ताह में दिक्कतें हो सकती हैं और चोट चपेट लग सकती है, फिसल कर गिर सकते हैं, हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, सर में चोट लग सकती है, थोड़ा सा उसका ध्यान बनाए रखिए। मीन राशि, स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह शुरू में बहुत अच्छा नहीं है, शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अगर परिवार में विवाद होते हैं तो उन विवादों से और चोट चपेट से बचिएगा, शांति रखने में बुद्धिमानी है। शुरुआत के बाद सप्ताह बेहतर होगा, वैवाहिक मामलों की और रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी और अगर आपके रुके हुए काम हैं तो ये तमाम रुके हुए काम सप्ताह के अंत में बन जाएंगे। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं परिवार में रिश्तों में शुरुआत में विवाद दिखा रहा है, आप शांत रहेंगे, धीरे धीरे स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। अब इस सप्ताह को बेहतर कैसे बनाएं? देखिए, इस सप्ताह में मैं आपको कहूंगा कि रोज सवेरे अर्ली मॉर्निंग जितना सुबह उठ सकें, सुबह उठ करके पीपल के वृक्ष में जल डाल करके प्रार्थना करिएगा, आपका सप्ताह बेहतर होगा। और खास तौर से जो लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, वो इस समय रोज सुबह सूर्योदय के पहले अगर ऐसा कर सकें, पीपल के वृक्ष में जल डाल करके पूरे सप्ताह भर प्रार्थना करें, रोजगार जैसी मुश्किलें समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब आपको एक विशेष सूचना देते हैं जो हर बार मैं देता हूं कि देखिए, हमारे ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल केवल दो ही हैं, एक है प्लेनेट पांडे और एक है आज तक का एस्ट्रो तक। बाकी जो भी YouTube चैनल आप हमारे देखते हैं, शुभ समय है, शैलेंद्र पांडे एस्ट्रोलॉजी है, शैलेंद्र पांडे जी हैं, ये सब फर्जी है, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा और अपने टेलीफोन नंबर आप हर जगह मत डाला करिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है, किसी तरह की सहायता परामर्श चाहिए, तो हमारे दो नंबर हैं 9918077004, केवल इन्हीं दो नंबर्स पर मुझसे जुड़ने के लिए और मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी आपको मिल सकती है। तो आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।